नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। लगातार 3 दिन अवकाश के चलते इस बार सुपर वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा और वाहनों की पार्किंग के इंतजाम भी कम पड़ गए। दोपहर बाद शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हल्द्वानी रोड में रूसी बाईपास और कालाडूंगी रोड पर नारायण नगर में पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ने के चलते उन्हें रोका गया। वाहनों की संख्या बढ़ी तो बाईपास में वाहनों की लंबी कतार लग गई और पुलिस प्रशासन के इंतजाम के दावे ध्वस्त हो गए। शनिवार सुबह से ही नैनीताल में पर्यटक वाहनों का पहुंचना शुरू हो गया था। ये सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। वाहनों की भीड़ के कारण शहर में पार्किंग भी पैक हो गई। शहर समेत आसपास के पर्यटन स्थलों में स्थित होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस पूरी तरह से पैक हो गए। इस बीच शहर में यातायात व्यवस्था पूरे दिन लड़खड़ाती दिखी। इसके बाद SSP पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस अधिकारी यातायात व्यवस्थित करने के लिए सड़क पर उतरे। शाम तक यहां की सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। ऐसे में SSP ने बताया कि रूसी बाईपास और नारायण नगर में पुलिस लाइन से 10-10 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल हम लोग आए और कैची धाम गए, सबसे पहले बाबा जी के दर्शन किए। तो आज अभी माल रोड के लिए हम लोग निकले हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा वेदर है। नैनीताल आके बताएं, क्राउड बहुत है, भीड़ भाड़ है, बट अच्छा लग रहा है। वेदर इज ऑल्सो ऑसम एंड वैसे देहरादून से बट आई गाँव से है, सो चिल करने के लिए वीकेंड एंड समर्स। कैसा लग रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो? बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी ज़्यादा घूमे नहीं है, अभी बोटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे, सुपर वाटरफॉल्स एंड ऑल है, वहाँ जाएंगे, हॉर्स राइडिंग है एंड प्लस सुसाइड पॉइंट है वहाँ पर भी। थोड़ा सा ट्रैफिक में दिक्कत आई होगी? हाँ, ट्रैफिक में, बट हमारे पास स्कूटी है, स्कूटी से ईजी टू गो है, ट्रैफिक में इतना ज़्यादा नहीं इशू हुआ। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।